स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1.5% कमी का फैसला। नई शरह सूद 22% से कम होकर 20.5% पर आ गई। शरह सूद में 120 पॉइंट्स कमी की गई है। मई में 11.8% रही। सख्त जरी पॉलिसी और गजाई एशिया की कीमतों में कमी से निकाई तेजी से कम हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत कौमी इत्तेहादी काउंसिल का इजलास एक्नेक और CTWOP की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में आइंदा माली साल के सालाना प्लान की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान। विफाक हुकूमत ने शुगर मिल्स को चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी। तौर पर मशरूत 1,00,000 मेट्रिक टन चीनी बरामद की जाएगी। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान वादे पर दस्तखत कर दिए। विफाक वजीर राना तबीर ने कहा कि मुस्तकबिल में चीनी की बरामद का ऑप्शन मुल्क में कीमतों के इस्तेहकाम और स्टॉक की दस्तयाबी से मुंसलिक होगा। पंजाब में हत्या के कानून के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज खत्म। लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त काबिले समाअत करार दे दी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कानून से मुताल्लिक नोटिफिकेशन का रजिस्ट्रार ऑफिस में कॉपी जमा करवा दी। पंजाब में हितक की इज्जत का नया कानून नाफिज। सूबाई हुकूमत ने पंजाब डिफेमेशन एक्ट 2024 का गजेटेड नोटिफिकेशन जारी कर इज्जत की दरख्वास्त मौसूल होने पर बगैर ट्रायल 30,00,000 रुपए हर जाने का अबूरी हुक्म सुना सकता है। हुकूमत इस कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जितने ट्रिब्यूनल जरूरी समझे कायम कर सकती है। पीटीआई में जब थे हुकूमत थी एक पीका का लॉ लेकर आए थे, आपको याद होगा। इस पे फिर साफियों के साथ उनको कंट्रोल करना है। अभी पर आया वजीर अजम सिंह शर्जील ने कहा है कि पीपल्स पार्टी हत्या कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनी। गवर्नर पंजाब के पास बिल गया तो उन्होंने दस्तखत नहीं किए। एक सोच ऐसी है जो आजादी इजहार राय को दबाना चाहती है। पानी पीटीआई की हुकूमत भी का कानून लाई थी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मीडिया और साफियों का साथ दिया। गवर्नर का मेरे पास कोई खिलाफी जवाब नहीं था। आज तक इज्जत बिल पर बतौर स्पीकर दस्तखत किए थे। कायम मकाम गवर्नर होते हुए मेरे सामने बिल दस्तखत के लिए आया। खैबर पख्तूनख्वा के गांव में तरक्की मंसूबों के खात्मे पर वज़ीर आला आलम इमरान खान ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि सालाना मंसूबा बंदी कमेटी के फैसलों से शदीद मायूसी हुई। जारी मंसूबों को निकालना SIFC और कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के फैसलों की खिलाफवर्जी है। विफाक BSBB पर नज़रसानी करके तमाम मंसूबों को तरक्की प्रोग्राम में मुकर्रर हिस्सा दे। दौरान इज्जत का कठिन से सवाल हाईकोर्ट के मुशाबी और पानी पीटीआई की दरख्वास्त जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल दरख्वास्तों पर समाप्त करेंगे। शायर अहमद फरहाद को जुडिशियल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। अहमद फरहाद को रिमांड मुकम्मल होने पर पुलिस ने सेशन अदालत मुजफ्फराबाद में पेश किया। अदालत ने हुक्म दिया कि 24 जून को अहमद फरहाद को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को लापता शहरी के वालिद को 30,00,000 रुपए मुआवजा देने का हुक्म दे दिया। अदालत की सेक्रेटरी दरख्वास्त गुजार के खानदान को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने खैबर पख्तूनख्वा के 15 साल से लापता शहरी हारून मोहम्मद की दरख्वास्त
दहशतगर्दों के हमले में शहीद कैप्टन फराज इलियास की नमाज़ जनाज़ा चुनिया में अदा कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ अज़ीज़ हुकाम और गुज़रात की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद के जज़्बात को कंधा दिया, शहीद के अहल-ए-खाना से मुलाकात की, तासीर का इज़हार किया। कैप्टन फराज़ ने जो शहादत का जाम नोश किया है, ये तो अल्लाह ताला किसी किसी को ये अजीम रुतबा बख्शता है, अपने लिए भी और आप पूरे खानदान के लिए। वो जन्नत में सबके लिए मुकाम बना गया। अल्लाह हमें आपको सब्र दे, ये कुर्बानी लायक नहीं आएगी। वतन की खातिर जान देने वालों की कुर्बानियां फरामोश नहीं कर सकते। कैप्टन फराज इलियास का खून रायगा नहीं जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शहीद के वालिदैन से गुफ्तगु। वज़ीर-ए-आज़म ने गाँव का नाम कैप्टन फराज इलियास शहीद के नाम से मंसूब कर दिया, मॉडल विलेज बनाने का ऐलान भी कर दिया। लकी मरवत वाकई की शहदा की नमाज जनाजा बनू में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, हाजिर सर्विस अफसरान और आवाम की शिरकत। आईस पी आर के मुताबिक नमाज जनाजे के बाद शहदा के जिसे लिखाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। शहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा।